जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है शाओमी MI A3 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाओमी MI A3 के लेटेस्ट जी कैम के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस जी कैम को आप अपने फोन में कैसे इंस्टॉल करें, इसमें आपको क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं और साथ ही हम कुछ कैमरा सैंपल्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों हमने Mi A3 में जो जी कैम का पोर्ट इंस्टॉल किया है वो है जी कैम का लेटेस्ट वर्जन GCam 8.2। आप लोग देख सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन है ये। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ फीचर्स की, आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसके पहले जो भी जी कैम यूज किया होगा उसमें से आपको इस लेटेस्ट जी कैम में कुछ चेंजेस नोटिस होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं नाइट साइड की, तो आप यहां पे देखेंगे ये जो जी कैम का पोर्ट है, पहले आपको ये साइड में कटा हुआ आता था Mi A3 में जो भी जी कैम होता था, अभी ये इसकी जो UI है बिल्कुल परफेक्टली फिट है A3 के लिए। बाकी मैं बात करता हूं दोस्तों कुछ नए फीचर्स की, तो आपको एक यहां पे नया फीचर ऐड हुआ नोटिस होगा जो कि है फोकस का। यहां पे आपको फोकस के लिए अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो यहां पे आपको कोई भी नया फीचर नोटिस नहीं होगा। सेम टू सेम कैमरा सेक्शन में भी आपको जितने पहले ऑप्शन मिलते थे सब मिलेंगे, बट एक नया फीचर कैमरा सेक्शन में ऐड हुआ है जो कि है मोशन फोटोज का। यहां पे दोस्तों आपको ऑटो या आपको ऑन करने का ऑप्शन मिलता है या आप इसे डिसेबल भी कर सकते हैं। मोशन फोटोज कैसे वर्क करता है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों वीडियोज की, इसमें आपको स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सबसे मेन चीज कि इस जी कैम के पोर्ट में स्लो मोशन और टाइम लैप्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क भी करता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वीडियो सेटिंग की, तो इसमें आपको फुल HD 60fps का ऑप्शन मिलता है। अगर आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं देन आपको मैक्सिमम 30fps का ये ऑप्शन मिलेगा। बाकी दोस्तों इसमें आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज दोस्तों आपको जो नोटिस होगा वो है मोड्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पहले आपको मोर का ऑप्शन आता था, बट अभी मोड्स शो हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पहले आपको दो ऑप्शन मिलते थे, पैनोरामा, फोटोस्फीयर, साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों गूगल लेंस भी ऐड कर दिया गया है। तो आपको यहाँ से जी कैम में भी अब डायरेक्ट गूगल लेंस का एक्सेस मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बात करते हैं कैमरा सेटिंग की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको इसमें कोई भी चेंजेज नहीं करना है। जो फीचर पहले से इनेबल है आपको उनको इनेबल ही रखना है, आपको उनको डिसेबल नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मोशन फोटोज के बारे में। अगर आप मोशन फोटोज को इनेबल करके कोई भी फोटो क्लिक करते हो देन आप जैसे ही शटर बटन पे प्रेस करते हो उसके बाद आपके फोन या ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन या मूवमेंट होता है ये उसमें भी ये कैप्चर कर लेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप नोटिस करेंगे कि ये हमारी नॉर्मल फोटो है, लेकिन फोटो को क्लिक करते हुए हमारा कैमरा या ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव किया तो आपको यहाँ पे ये चीज नोटिस हो जाएगी। बाकी दोस्तों GCam 8.2 से मैंने और भी फोटो सैंपल्स क्लिक किए हैं जिसको मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पे दोस्तों GCam 8.2 से क्लिक की गई फोटो को अगर हम सेम टू सेम फोटो स्टॉक कैमरा से कंपेयर करें देन आप नोटिस करेंगे कि GCam की जो फोटो है इसमें आपको थोड़ा सा जो शेडो है ज्यादा नोटिस होगी, ब्लैकिश एरिया आपको ज्यादा नोटिस होंगे, बाकी स्काई का जो नेचुरल कलर है वो आपको नोटिस होगा स्टॉक कैमरे में। नेक्स्ट सैंपल बात करें दोस्तों जो कि GCam स्टॉक कैमरे से मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि GCam की जो फोटो है उसमें आपको कलर थोड़ा सा ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, आई कैची फोटो भी GCam की नोटिस होगी। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों फोटो में डिटेल की, तो आपको दोनों स्टॉक और GCam से सेम मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों GCam 8.2 को आप अपने Mi A3 में कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको पिन कमेंट में दो लिंक दे दूंगा, दोनों लिंक से आप किसी पे भी क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कॉन्फ़िगर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इंस्टॉल करने के बाद ही आपको कुछ परमिशन के लिए अलाउ करना होगा, उसके बाद आपके भी Mi A3 में GCam 8.2 परफेक्टली वर्क करने लगेगा। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।